चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोड रेज में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या का मामला सामने आया। बेकाबू रफ्तार में आखिर कैसे दिल्ली में पुलिस वाले को कुचल दिया? आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की रोड रेज में ये जान जाने का मामला सामने आया। आज सुबह का ये पूरा मामला है। वहीं आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो यहां पर सामने आई, उसकी जो जांच है वो भी यहां पर चल रही है। तो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कुचल दिया गया और काफी दूर तक गाड़ी जो है उसे घसीटती हुई ले गई और एक दूसरी गाड़ी से वो टकरा गए और संदीप को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया जो कांस्टेबल थे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश भी आरोपियों की यहां अब लगातार चल रही है। दिल्ली के नागलोई का यह पूरा मामला है, जहां रोडरेज में कांस्टेबल की जान चली गई। आपको बता दें कि कैसे दूर तक कांस्टेबल को घसीटा गया, इसके बाद आनंद फारन में जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी जान चली गई। दिल्ली के नागलोई से एक चौंकाने वाली खबर निकल कर के सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के नागलोई में एक कांस्टेबल ने जब शराब सप्लायर को रुकने का इशारा दिया तो शराब सप्लायर ने अपनी गाड़ी से उस कांस्टेबल को कुचल दिया। आपको जानकारी ये भी दे दें कि उस कांस्टेबल की मौके पे ही मौत हो गई है और अभी हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई थी। आपको बता दें कि घटना तकरीबन सुबह के 3 बजे हुई थी और अभी भी उस घटना के यहां पे निशान हैं, ब्लड के निशान हैं और गाड़ी के टूटने वूटने के ये निशान हैं। यहीं पे वो गाड़ी भी छोड़ करके भाग गया था और जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। कांस्टेबल ने उस शराब सप्लायर को रुकने का इशारा दिया, शराब सप्लायर ने अपनी गाड़ी की तेज़ी बढ़ाई, गति बढ़ाई और गति बढ़ाने के बाद उस कांस्टेबल को यहां पे रोंते हुए भागने की उसके द्वारा कोशिश की गई। हालांकि उसकी कोशिश असफल हुई, वो गाड़ी छोड़ करके यहां से भाग निकला। और आपको जानकारी दें ये वही इलाका है जहां पर ये घटना तकरीबन सुबह के 3 बजे हुई है और अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं। यहां पर लगातार ही पुलिस मौके पे पहुंची हुई है, छानबीन करने का काम कर रही है, सीसीटीवी खंगालने का काम कर रही है और देखने का काम कर रही है कि वो शख्स कौन था जिसने इस तरह की। लोमस हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, लगातार आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए तलाश चल रही है उस शराब सप्लायर की, जो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कुचल कर चला जाता है और फरार हो जाता है, जिसके बाद कांस्टेबल की मौत हो जाती है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी, कहां तक ये तफ्तीश पहुंची है? यूपी के बलिया में ट्रेन डिरेल करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा था पत्थर, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़, ट्रैक में रखा बड़ा पत्थर तो पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। मध्य प्रदेश के मेहर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हुई, करीब 17 से ज्यादा लोग घायल हुए। गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आए, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों के जलस्तर बढ़ने से बैराज तक आया पानी, लोगों में डर का माहौल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी तो ड्रोन से के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी, जवानों ने 4 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ के दौरान 1 पुलिसकर्मी शहीद, 2 अफसर घायल। एक घर में थे ये और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। जम्मू में जैश के साथ आतंकी सक्रिय, सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच, तो आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल में मिली तस्वीरें। नसरुल्ला की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, बड़गाम में सड़क पर उतरकर लोगों की नारेबाजी, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में नसरुल्ला के पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन। हिजबुल्ला नेता नसरुल्ला की हत्या की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने निंदा की, शिया समुदाय से की 3 दिन का शोक मनाने की अपील।
हिजबुल्ला के समर्थन में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नसरुल्ला को बताया शहीद। फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। पीएम मोदी आज पुणे को देंगे मेट्रो की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, साथ ही स्वारगेट कात्रज मेट्रो खंड की आधारशिला रखेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी 114वीं बार करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह जल्द उठाएं सख्त कदम। उदयनिधि स्टालिंग को डिप्टी सीएम बनाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा इंडी गठबंधन और डीएमके को सिर्फ अपने बेटा बेटी की चिंता, लेकिन पीएम मोदी सभी के बारे में सोचते हैं। मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है, फैमिली फर्स्ट पर चलती है, नेशन फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, ऑफ द फैमिली फॉर द फैमिली बाय द फैमिली बस, और इसीलिए अपना बेटा बेटी को ही आगे करना है, अपना परिवार। यूपी के सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर जताया विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। गाजियाबाद में एक बार फिर मंडरा रहा डेंगू का खतरा, 29 लोग पाए गए डेंगू पॉजिटिव, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीतापुर में दिखा कुत्तों का आतंक, कुत्ते के हमले में 3 साल का मासूम बुरी तरीके से घायल, परिवार वालों ने कुत्ते को खदेड़ा तो वहीं मुश्किल से बची मासूम की जान। बहराइच में लोगों ने की सीआर की हत्या, लाठी डंडों से कई बार वार किया, पुलिस और वन विभाग ने शुरू की जांच। बहराइच में डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर रेड, कई जगह डॉक्टर रहे नदारद, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में भी पाई गई कमियां, दिए गए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नगर पंचायत कर्मचारी के साथ मारपीट, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर बिजली सही कर रहे कर्मचारी से दुकानदार ने की मारपीट, मारपीट का वीडियो सामने आया। सहारनपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जमकर हुई मारपीट, छात्रों के 2 गुट भिड़े तो मारपीट में एक छात्र बुरी तरह से घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक चेनी स्नेचर गिरफ्तार हुआ। अंबेडकर नगर में फार्म में मिला शख्स का शव, गले पर मिले निशान तो वहीं पुलिस केस दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी। बदायूं में स्कूल बस ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी, हादसे में महिला की मौत, ड्राइवर बस लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में भरभराकर गिरी कच्ची दीवार तो मलबे में दबकर एक मजदूर की गई जान, 3